मिल्लत की माशी पसमानदगी को दूर करने, बेरोज़गारी के मसले को हल करने और नौजवानों को तिजारत की तरफ रागिब करने के साथ साथ उनके नए बिज़नेस आइडियाज़ को सही रुख देने के लिए ब्राइट बिगन तेलंगाना की जानिब से एक अहम बिज़नेस गाइडेंस एक्सपो वो सेमिनार 20 मार्च को 10 बजे दिन ता शाम 6 बजे ख्वाजा मेंशन मासाब टैंक में मुनक्किद किया जाएगा। इस अहम एक्सपो में शिरकत की ख्वाहिश की गई है, साथ ही उलमा से दरख्वास्त की गई है कि वो नौजवानों फारगीन मदरसा को इस एक्सपो में शिरकत और इस्तेफादा की तरगीब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद शोबे मिल्ली उमूर उम्मत का तहफ्फुज़ और तरक्की की जानिब से एक इदारा ब्राइट बिगिन के नाम से क़ायम किया गया है, ताकि मिल्लत की सुबूह हाली को, मफलुकुल हाली को और माशी तंगी को दूर किया जा सके और नौजवानों में ख़ास तौर पर बिज़नेस की जानिब, हुनरमंदी की जानिब और एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब उनको मुतवज्जा किया जा सके। उसके लिए नए आइडियाज़ और नए प्रोजेक्ट्स और तिजारत की नई राहें सुझाने के लिए जमात इस्लामी हिंद मिल्ली उमूर की जानिब से 20 तारीख को ख्वाजा मेंशन मासाब टैंक हैदराबाद में एक एक्सपो रखा गया है। इसमें वो लोग जो तिजारत में पहले से इंडस्ट्री में, सनत में और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पहले से मौजूद हैं, उन लोगों के सक्सेस स्टोरीज़ भी बताए जाएंगे और उस एक्सपो के ज़रिए से ये भी बताया जाएगा कि कौन सा हुनर और कौन सी सनत और कौन सा बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए और स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से जमा किया जा सकता है, लेबर कहाँ से मिल सकता है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, ये सारी बातें वो एक्सपो के अंदर इंशाल्लाह बताने की कोशिश की जाएगी। हम अपील करते हैं कि जो लोग तिजारत सनत हिरफत में पहले से कामयाब तिजारत कर रहे हैं और उनकी सनत कामयाब है, तो वो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने तजुर्बात को शेयर कर सकते हैं। और इस एक्सपो में जो 20 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये एक्सपो रहेगा ख्वाजा मेंशन में, इसमें ख़ास तौर पर नौजवान, बेरोज़गार नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान, हुनरमंद नौजवान, उलमाए किराम, दीनी मदारिस से फारिग अफराद, ख़वातीन और हजरात उसके अंदर शरीक हों और उससे इस्तेफादा करने की कोशिश करें। जमात इस्लामी हिंद पहम इस कोशिश के अंदर लगी हुई है कि मिल्लत इस्लामिया को माशी तौर पर ऊंचा उठाया जाए, उसका अपलिफ्टमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसके अंदर आए, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एम्पावरमेंट उसके अंदर आए। ये कोशिशें हम शोबे मिल्ली उमूर की जानिब से कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी इस अपील को आगे बढ़ाया जाएगा और बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफीज होंगे।